तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि EDM सॉन्ग का बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। वो दोस्तों उस टॉपिक पर मैं आज वीडियो भी बताऊंगा कि EDM सॉन्ग का कंप्लीट बैकग्राउंड रिमूव कैसे करते हैं। तो दोस्तों देखिए, EDM ट्रांस के जो सॉन्ग होते हैं उसमें अलग तरीके से बैकग्राउंड है जो रिमूव होता है। तो वीडियो को देखना है एंड तक, तभी दोस्तों आपके समझ में आएगा कि बैकग्राउंड रिमूव कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, वीडियो को कर देना लाइक। तो दोस्तों फर्स्टली आपको दोस्तों एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा जिसका मैं आपको बता दूंगा। पहले आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर सर्च करना है वोकल रिमूवर, VOCAL REMOVER, वोकल रिमूव करके इसको सर्च कर देना है। तो दोस्तों मैं अपना नेट ओपन कर लेता हूँ, मोबाइल जो डाटा है वो। तो देखिए अभी आपको मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है। तो मैंने दोस्तों इसको सर्च किया। सर्च करने के बाद जो दोस्तों फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी आपके पास उसको आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपका कुछ इस प्रकार का इंटरफेस है वो खुल जाएगा। तो देखिए आपको दिखा दे रहा है वोकल रिमूवर एंड आइसोलेशन, ठीक है। उसके नीचे आपको आ रहा है, ये दो आपको डायग्राम से दिखाई दे रहे होंगे, म्यूजिक और नीचे है वोकल को, और उसके जस्ट नीचे आपको दिखाई दे रहा है ब्राउज माई फाइल्स। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और आपको कोई भी अपना एक फाइल मैनेजर में से सॉन्ग को सेलेक्ट कर लेना। तो मैं आपको सॉन्ग सेलेक्ट करके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं बता देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मैंने सॉन्ग को अपलोड किया और ये 100% का मेरा जो रेंडरिंग है वो फिनिश्ड हो चुका है। तो नीचे आ रहा है अपलोडिंग फाइल, आपको कुछ देर तक इसका वेट करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको मैं इसी वीडियो में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि स्टेप वाइज स्टेप EDM सॉन्ग का बैकग्राउंड बिल्कुल एकदम रिमूव करना आपको आज मैं बता दूंगा। तो देखिए दोस्तों उसके बाद 100% प्रोसेसिंग होने के बाद आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऑडियो प्रोसेसिंग हमारी हो रही है, इसमें दोस्तों आपको म्यूजिक अलग आ जाएगा और वोकल इसकी अलग आ जाएगी। देखिए आपको मैं सुना देता हूँ, जो ऊपर आ रहा है अपना ये म्यूजिक वाला, इसको आप 100% पे सुनिए। इसी है म्यूजिक म्यूजिक, इसमें आपको वोकल नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको दोस्तों अगर आपको किसी सॉन्ग का म्यूजिक लेना है तो इसको आप 100 कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको म्यूजिक नहीं लेना है तो इसको 0 कर वोकल को आपको 100 कर देना है। तो अब सुनिए आप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको अगर म्यूजिक और वोकल कोई भी आपको एक क्लिप उठानी है तो उसको आपको 100 करके और डायरेक्टली दोस्तों आपको देखिए सेव का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेव में आपको दोस्तों 3 स्टेप के जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएंगी। तो आपको फर्स्ट में आ रहा है म्यूजिक, सेकंड पे आ रहा है वोकल और थर्ड आ रहा है म्यूजिक प्लस वोकल। तो आपको वोकल पर क्लिक कर देना है और आपका दोस्तों वोकल जो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा दोस्तों वोकल डाउनलोड हो गया क्योंकि मैंने छोटी सी एक क्लिप ही उठाई थी। तो चलिए उसके बाद का प्रोसेस आपको मैं समझा देता हूँ। मैनेजर में जाके उसको वहाँ से कॉपी या फिर मूव करके आप FL स्टूडियो मोबाइल जो है उसकी फाइल में आपको डाल लेना है, यानी कि FLM यूजर फाइल में आपको उसको अपलोड करके डाल लेना है। तो उसके बाद डायरेक्ट मैं आ जाता हूँ अपने FL स्टूडियो मोबाइल में। उसके बाद आपको दोस्तों क्लिप उठानी है, उसके बाद की जो मास्टरिंग है वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो मास्टरिंग नहीं हुई तो दोस्तों आपके साउंड की जो वोकल आपने जो निकाला था EDM सॉन्ग का उसकी आवाज़ जो फटने लग जाएगी। तो देखिए, तो दोस्तों देखिए मैंने जो वोकल है निकाला था वो मैंने इसमें अपलोड कर दिया है। तो डायरेक्टली आपको इसको एक पर क्लिक करना है और यहाँ पर इस पर जाना है आपको। तो आपको दोस्तों प्लस वाले ऑप्शन पर जाना है और दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, प्राइमिक EQ ले लेना है, इस पर आपको डिफॉल्ट पे जाना है और 200 है इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेंगे, ठीक है। अब आपको सुनिए, आप अपने हिसाब से भी मास्टरिंग कर सकते हैं, कि कई सॉन्ग में दोस्तों वॉल्यूम ज़्यादा आती है, कई सॉन्ग में इक्वल आती है, कई सॉन्ग में बिल्कुल डाउन आती है। तो इसको सुनिए, ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों एक ग्राफिक EQ लगा लेंगे अपने हिसाब से, कुछ नहीं, हल्का हल्की मास्टरिंग करनी है क्योंकि दोस्तों इसमें म्यूजिक तो पहले ही रिमूव हो चुका है,
वोकल की थोड़ी मास्टरिंग करनी है। और इसमें दोस्तों आपको बता देता हूँ, रिवर्ब जरूर डालना है ताकि हमारे सॉन्ग का बैकग्राउंड, वोकल बैकग्राउंड एकदम से बराबर उठकर आए। तो आप रिवर्ब के क्लिक करके इसको आप थोड़ा इधर खिसका सकते हैं। तो आप सोचो ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप अगर दोस्तों कुछ एक दो इफेक्ट और भी लगाना चाहते हैं, फिर प्रीसेट लगाना चाहते हैं, वो आप लगा सकते हैं। और आप दोस्तों डायरेक्टली यहीं से आप अपने मिशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ईडीएम सॉन्ग का बैकग्राउंड रिमूव करना आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर लेके आए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों वीडियो को कर देना लाइक, चैनल कर देना दोस्तों सब्सक्राइब, न्यू अपडेट, न्यू सैंपल पैक्स और न्यू सॉन्ग्स एफएलएम प्रोजेक्ट पाने के लिए।